खेल मंत्री विजय गोयल ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में नेत्रहीन टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी टीमों का स्वागत किया और भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। हमारे देश के अंदर टी20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत लोकप्रिय हो रहा है और अब अभी कैबी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ऑफ इंडिया कैबी ने बहुत मेहनत करके इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है जो 11 सिटीज के अंदर होगा जिसमें 10 देशों की टीम भाग ले रही है। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इनको पूरा सपोर्ट किया है और मैं समझता हूँ ये खेल बहुत ही जहाँ लोकप्रिय होगा उन लोगों को भी उससे बड़ा ही उत्साह मिलेगा। जी फाइनल मुकाबला 12 फरवरी को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 48 मैच होंगे जिसमें से 16 दिल्ली में खेले जाएंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।